आज हम बना रहे हैं दही वड़े की रेसिपी, जो कि प्योर होममेड होने के साथ साथ बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट देता है और ये बहुत ही कम टाइम में तैयार होने के साथ साथ बिल्कुल स्पॉन्जी होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमें ले लेनी है उड़द की दाल और इसे ओवरनाइट हमें सोक कर लेना है। एंड इस दाल के जो छिलके होते हैं उसे हमें 3 से 4 पानी में वॉश करके पूरे छिलके को अच्छे से निकाल देना है पानी के साथ वॉश करके। अब चलते हैं इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करते हैं। उसके लिए हम इस पूरी दाल को ट्रांसफर करेंगे एक मिक्सर जार में और इसे हम एक फाइन पेस्ट बना के रेडी करेंगे। बट याद रहे कि यहाँ पे जब हम इसका पेस्ट बनाए तो यहाँ पे हमें जरा भी पानी का यूज नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी दाल ले के हमें इसे पीस लेना है और पानी जरा भी नहीं ऐड करनी है। ये देखिए, हमने यहाँ पे पूरी दाल को अच्छे से पीस लिया है और जब हम इसे पीसेंगे तो ये काफी ज्यादा स्पॉन्जी सा आप देख रहे होंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फूला हुआ भी है। यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा हींग। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डालेंगे जीरा और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये आपस में हींग और जीरा मिक्स हो जाए, एक तरफ ना रहे। हमें इस पूरी दाल को पूरी तरीके से फेंट लेना है। इसे हम जितना ज्यादा फेंटेंगे ये उतने ज्यादा स्पॉन्जी बनेंगे। इसे चेक करने के लिए हम थोड़े से पानी में इस दाल को ऐड करेंगे और जब ये ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है ये पूरी तरह से स्पॉन्जी होने के लिए रेडी है। अभी यहाँ पे ये दाल ऊपर नहीं आ रही है तो हमें इसे 5-10 मिनट और इस तरह से फेंटना है। अभी ये दाल पूरी तरह से परफेक्ट है। अब हम बना लेते हैं इसका जीरा नमक का पानी जिसमें हमें देने हैं वड़े के फ्लेवर्स। सो यहाँ पे हमने लिया पानी और इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ और नमक। अब चलते हैं वड़े को फ्राई करने की तरफ। तो कढ़ाई में तेल डाल के एकदम गरम कर ले और फिर इसमें एक ही साइज के गोल शेप या फिर जिस शेप में आपको वड़े बनाना पसंद है आप उस शेप में इसे तेल में फ्राई कर सकते हैं। वड़ों को फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम को हमेशा फास्ट रखें और मीडियम टू फास्ट करते हुए इसे फ्राई करें। हम यहाँ पे राउंड शेप देते हुए सारे वड़े को तेल में ऐड कर देंगे। वड़ों की साइज को छोटे छोटे से ऐड करें क्योंकि ये फूलने के बाद और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे तेल में सारे वड़ों को ऐड कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि सारे वड़े ऑटोमेटिक ऊपर आ चुके हैं एंड काफी ज्यादा पफी एंड काफी ज्यादा स्पॉन्जी भी लग रहे हैं। सो जब हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे एंड दाल को जितना ज्यादा हम पीसी हुई दाल को फेंटेंगे उतना ज्यादा ये पफी एंड स्पॉन्जी बनेगा और जब ये ऑटोमेटिक ऊपर आने लगे सो ये परफेक्ट तरीके से फ्राई होने लग गए हैं। इसे हमें तब तक फ्राई करनी है जब तक कि इन वड़ों में हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। इस तरह से
इसे हमें ज्यादा सुनहरा भी नहीं करना है, मीडियम सुनहरा करना है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे स्टेज पे हम इन सारे वड़ों को निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म वड़ों को हम निकालेंगे एंड वड़ा को हम जीरा पानी का जो नमक होता है उसी में डिप करके अच्छे से पूरे पानी के साथ इसे सोक कर लेंगे। याद रहे जब वड़ों को बना रहे हो तो पानी में गरम गरम ही ऐड करना है, जिससे कि ये बिल्कुल स्पॉन्जी होगा दही में डालने के बाद एंड ये काफी अच्छे से फूल भी चुके होंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से डिप करते हुए और हाथों से निचोड़ कर इन वड़ों को हमें दही में ट्रांसफर कर देना है। इसी तरह से हमें बाकी के सारे वड़ों को जीरा नमक के पानी में गरम गरम डिप करना है एंड हाथों से पूरी तरह से निचोड़ करके दही में ट्रांसफर करना है। आप जीरा नमक के पानी में जितना अच्छे से वड़े को ट्रांसफर करेंगे एंड प्रेस करके इसे भिगाएंगे वो दही में जाने के बाद उतना ही ज्यादा मुलायम स्पॉन्जी एंड पफी बनेगा। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे जीरा नमक का पाउडर, क्योंकि हमने दही में कुछ भी नहीं डाला है। सो यहाँ पे हम भुना हुआ जीरा और नमक का पाउडर डालेंगे और इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें और भी मसाले अगर आपको पसंद है जैसे कि लाल मिर्च पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे क्योंकि दही वड़े जितने सिंपल होंगे उतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करा हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ एंड ऊपर से फिर से जीरा नमक पाउडर को हमने गार्निश किया। सो ये रहे बिल्कुल परफेक्ट तरीके के और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार है शादियों में मिलने वाले दही वड़े। इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक देना ना भूलें। थैंक यू।